कुंती ने अक्रूर को बताया कि धृतराष्ट्र के पुत्र पांडवों से ईर्ष्या करते हैं। फिर धृतराष्ट्र से मिलकर मथुरा वापस आ गए और श्री कृष्ण तथा बलराम को सारी बातें सुनाई। फिर जरासंध से युद्ध हुआ। जरासंध तथा काल यवन का वध भगवान ने किया। भेष बदल करके जरासंध के पास गए थे कृष्ण और अर्जुन और भीमसेन। तो जरासंध ने भीमसेन को चुना था और भीमसेन ने जरासंध का वध किया। और काल यवन, यवन तब भी थे कृष्ण भगवान के समय में। यवन को भगवान ने, काल यवन को स्वयं नहीं मारा। राजा मुचुकुंद जो देवताओं के आशीर्वाद से उनसे वरदान मिला था, क्योंकि उन्होंने बड़ा युद्ध किया असुरों के साथ देवताओं की तरफ से, वो बड़े थके, कहते मुझे ये वर दो कि मैं आराम करूं और मुझे कोई जो जगाए वो भस्म हो जाए। तथा तो मुचुकुंद राजा सो रहे थे गुफा में। काल यवन को भगवान ने ललकारा। काल यवन भगवान के पीछे आया और भगवान भागते भागते मुचुकुंद की गुफा में चले गए। भगवान एक तरफ छिप गए और काल यवन पर भगवान ने अपना पीताम्बर डाल दिया। तो काल यवन सोचने लगा, सो गया अभी उसने, वो पीताम्बर हटाया और उठाने लगा मुचुकुंद। मुचुकुंद जब उठा तो उसके नेत्र दृष्टि से काल यवन भस्म हो गया। ऐसे भगवान ने काल यवन का वध किया। और जरासंध से जब भगवान का युद्ध हो रहा था तो तब भगवान रण छोड़कर चले गए थे। तो भगवान का नाम पड़ा था रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय की। देखो भगवान रण छोड़ के जाना अच्छा नहीं है, पर अगर भगवान जाते हैं तो भगवान इसी रूप, भक्त उनको इसी रूप में पूछते हैं। रुक्मिणी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पत्र भेजना। रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के हाथ पत्र भेजा कि प्रभु मुझे स्वीकार करो। तो भगवान वहां से गए और रुक्मिणी देवी को हरण करके ले आए। बोलो रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। तो रुक्मिणी का जो भाई था उर्कमा, वो नहीं चाहता था रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से। उसको फिर भगवान ने बंदी बना लिया और उसको दंड, रुक्मिणी कहती इसको मारो मत। तो भगवान ने उसके आधे सर के बाल काट दिए, मारने के बराबरी करके उसको छोड़ दिया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उस समय राजा महाराज सारे इकट्ठे हुए थे, सबको भगवान ने हरा कर वो रुक्मिणी को लेकर द्वारका लौट आए और वहां वैदिक रीति से उससे विवाह किया। ऐश्वर्य के स्वामी श्री कृष्ण लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी को देखकर प्रसन्न हुए। बोलो रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। अभी आपकी बारी आ रही है। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब कृष्ण बड़े, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। वन में यूं तारों में चला भजो रे मन गोविंदा। यूं तारों में चला भजो रे मन गोविंदा।
सब नदियों में गंगा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। जू नदियों में गंगा बजोरे मन बजोरे मन जैसा ही सुंदर था। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी प्रद्युमन के जन्म की कथा तथा शंबर असुर द्वारा उसके अपहरण की घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि कैसे शंबर को मारकर प्रद्युमन अपनी पत्नी समेत घर लौटते हैं। फिर शामन तक मनी की कथा है। भगवान पर झूठा वो लगा था इल्जाम, वो भगवान ने जामवान के साथ युद्ध करके वो वापस लाई। भगवान का इंद्रप्रस्थ जाना और पांडवों से मिलना, कौरव लोग पांडवों से बड़ा अन्याय कर रहे थे। फिर बाणासुर के साथ युद्ध हुआ। एक बार बाणासुर की पुत्री उषा स्वप्न में एक पुरुष को देखती है और अपनी सखी चित्रलेखा की मदद से अनिरुद्ध के चित्र को पहचान लेती है। अनिरुद्ध जो भगवान का बेटा था तो अनिरुद्ध का अपहरण करके वहां उषा के पास लाया गया। तो बाणासुर की बेटी थी उषा, तो बाणासुर का युद्ध हुआ भगवान के साथ और भगवान को हरा करके भगवान उषा को अनिरुद्ध को ले गए। राजा मृग की कथा। मृग जो थे वो बड़े दानी थे, गायों का दान करते थे, लाखों गायें रोज दान करते थे। गाय दान का सबसे बड़ा पुण्य है। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण को उन्होंने बहुत सारी गायें दी, बहुत सारी गौएं दी, दूसरे ब्राह्मण को भी दी। जो पहले को दान दी थी उनमें से एक गौ उसमें आ गई और गलती से दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी और दूसरे को दी। उस पहले वाला कहता है मेरी गऊ है ये, दूसरा कहता है मेरे को मिली है ना, वो छोड़ने के लिए तैयार। कहते मैं जितनी को एक भी नहीं माना, ऐसे जिद्दी होते हैं ब्राह्मण। हुआ क्या बेचारे उनको फलस्वरूप उनको गिरगिट बनना पड़ा। महाराजा नृग को गिरगिट बन गए। गिरगिट बन करके वो कुएं में पड़े थे।
और भगवान ने उनका भी उद्धार किया। तो खेलते खेलते भगवान ने वो उस गिरगिट को स्पर्श किया, उनको पूरा पूर्ण अपना रूप मिल गया। तो भगवान ने, जैसा आपको पता है कि 16,108 रानियों से विवाह किया था, 16,108 रानियां जो 16,000 जो हैं वो एक असुर ने बंदी बना रखी थी। जब भगवान ने उनको छुड़ाया, उनसे उनकी प्रार्थना करने पर, तो अभी वो कहती हैं, प्रभु अभी हमें कौन स्वीकार करेगा, हम इस राक्षस के पास रही थी, फिर क्या हमें आप स्वीकार करें। तो जिसका कोई नहीं उसके भगवान, भगवान ने 16,000 रानियों से विवाह किया। वैसे पूरी रानी भगवान की 16,108 थी और पटरानी रुक्मिणी माता थी, 8 पटरानी हैं, उनमें भी महान रुक्मिणी जी। और अभी युधिष्ठिर महाराज राजसूय कर रहे हैं, उनमें कृष्ण भगवान को सबसे पूजनीय माना गया, लेकिन शिशुपाल को ये अच्छा ना लगा और शिशुपाल ने बड़ी गालियां देने लगा वो भगवान को। भगवान ने सारे शिशुपाल के अपराध सहन किए, क्योंकि शिशुपाल की मां को भगवान ने वचन दिया था, जब तक 100 बार मेरे प्रति अपराध नहीं करेगा तब तक मैं इसको मारूंगा। 101 में जब अपराध किया तो भगवान ने अपना चक्र छोड़ करके शिशुपाल का वध कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि शिशुपाल की मृत्यु के बाद दंत बकर अकेला की युद्ध भूमि में आग धमका, वह क्रोध से आग बबूला हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कोमदी गदा से उसका काम तमाम कर दिया, ए शिशुपाल और दंत बकर दोनों को मार दिया। सुदामा जी के श्री कृष्ण से भेंट, फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनके बचपन के मित्र सुदामा मिलने आते हैं। सुदामा जी भगवान को मिलने गए, जब तो सुदामा जी जाते नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी सुशीला कहती हैं, आप कहते थे कि वो द्वारकाधीश आपके मित्र, बचपन के मित्र हैं, आप उनके पास जाइए ना। तब सुदामा जी कहते हैं, मैं मांगने के लिए जाऊं अपने मित्र के पास, कि मांगने नहीं जाओ, स्त्रियां बड़ी चतुर होती हैं, तो मिलने तो जाओ। अच्छा मिलने चला जाता हूँ, अब क्या देती है मित्र के पास, खाली थोड़ा जाना चाहिए, अब क्या दें बेचारी। पड़ोस एक चिवड़ा मांग के ले आई और वो पोटली में चिवड़ा बांध लिया, सुदामा जी ने चल पड़े। अरे द्वार पालो, भगवान जब पहुंचे वहां पर, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा। भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे मैं I'm not afraid।
ना सर पैर है पगड़ी ना तन पैर है जामा ना सर पैर है पगड़ी ना तन पैर है जामा बता दो कन्हैया नाम है एक बार मोहन से जाके कह दो कि एक बार मोहन से जाके कह दो कि मिलने सखा बड़ा ही अचंबा हुआ रुकमणि को बड़ा ही अचंबा